जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने मेडर और मनकोट में बरसाए गोले, सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। सरकारी प्राइमरी स्कूल खुमरियार कुपवाड़ा में बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है, क्योंकि स्कूल के क्लास बारिश के पानी में डूब गए हैं और बारिश के पानी के कारण बच्चों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसा स्कूल जाते हैं कि हमारे स्कूल यहाँ लोगे, लेकिन यहाँ बच्चे आकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पानी ही पानी है, बैठने की जगह नहीं है, टाट सब गीले हो चुके हैं। ओबीसी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। श्रीनगर में कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के श्री गजानफर अली ने किया शहर का दौरा। आर एस पूरा क्षेत्र के गांव कल्याण में बनाएगी पार्क का निरीक्षण आर एस पूरा खंड विकास अधिकारी अनुराधा ठाकुर ने किया। इस दौरान उन्होंने पार्क के निर्माण में किए गए कार्यों का निरीक्षण करने के साथ पंचायत के अधीन ग्रामीणों की आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान पंचायत के सरपंच युवराज सिंह, उनके साथ कई लोग भी मौजूद थे। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आज एक योजना शुरू की गई जिसमें लोग कम से कम रेट में पौधे खरीद सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की इस साल, ये पहले भी आती थी ये स्कीम अंडर द नेम ऑफ किचन गार्डन, इस साल हमने अंडर द नेम ऑफ रूरल ओपिक। ICDS के कार्यकर्ताओं और उनके सहायकों ने 15 महीने से अपनी पेंडिंग सैलरी की डिमांड को लेकर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। आंगनवाड़ी ICDS, हमका ये हमको ये मांग है कि हमका तनख्वाह वाग नहीं है, दो साल से पड़ा हुआ है, कोई नहीं देते हमारे काम करते हैं, इसलिए हम। जम्मू और कश्मीर में 4 से 6 मार्च तक फिर बिगड़ेगा मौसम, बारिश और बर्फबारी के आसार। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की 4 टीमें तय, भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया की टक्कर साउथ अफ्रीका से होगी।